एक हिट किलर है, हिट किलर, हिट किलर को बोलते हैं सुपारी लेने वाले। तो एक ब्रह्मचारी को पकड़ लिया उन्होंने, सुपारी बोले समझते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुपारी पे जो मारते हैं लोग, शूटर, कॉन्टैक्ट किलर, कॉन्टैक्ट किलर। तो महाराष्ट्र की बात है, एक कॉन्टैक्ट किलर ने ब्रह्मचारी को पकड़ लिया, क्योंकि ब्रह्मचारी इस्कॉन के ब्रह्मचारी पैसे वाले होते हैं ऐसा लगता है लोग, है ना, और गोरे चिट्टे तो होते ही हैं, चिट्टा भले ही गोरा ना हो लेकिन ब्रह्मचारी गोरे रहते हैं एकदम, देखो है ना, सुंदर रहते हैं। तो पकड़ लिया जैसे तैसे, तो वो बड़ा खुश था ब्रह्मचारी एकदम, पीछे बैठे देखो एसी के पास मस्त फाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है, है ना। 2016 में जुड़े थे बेचारे, तब मेरे जैसे थे, अभी देखो दो कुर्सी चाहिए उनको बैठने के लिए, है ना, प्रगति हो रही है, कमर का साइज, गले का साइज, हाथों का साइज, जबकि खाते नहीं है तब ये हाल है, है ना, तो खुश रहते। तो वो ब्रह्मचारी भी ऐसे खुश। तो सूट के वो किलर ने पूछा, हिट किलर ने, कि भैया तुम खुश कैसे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला इसका एक ही रीज़न है। क्या? बोला मेरे पास केवल दो जोड़ी धोती कुर्ता है, बस केवल दो जोड़ी धोती कुर्ता और कुछ नहीं, इसलिए मैं खुश। तो कई बार हमें अत्याहार प्रयास से, अत्याहार का मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं टू मच ईटिंग एंड टू मच कलेक्टिंग, अत्याहार, जरूरत से ज़्यादा, है ना, भक्त तो जरूरत भी में भी नहीं रहता है, वो जरूरत भी चाहिए नहीं चाहिए, प्रभु जी हो जाएगी व्यवस्था, कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं कि हमें इंद्रिय भोग का मौका मिल रहा है और कोई देख नहीं रहा, जाके इंद्रिय भोग कर लो, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप अकेले में क्या कर रहे हैं इसको ईमानदारी बोला जाता है, है ना। सबके सामने तो छुप के डर के नहीं करेंगे, लेकिन अकेले में, अजामिल अकेले में गया करने के लिए, फंस गया। तो इंद्रिय संयम का श्लोक है, ये बता रहे हैं, इंद्राणाम विचरताम विषय स्वपारिषु संयमे यत्म आतिष्ठे। संयम यत्न पूर्वक मन को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। दसवें स्कंद, दसवें अध्याय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं तपस्या का मतलब क्या है। तपस्या का मतलब है वॉलंटरी एक्सेप्टिंग, है ना, अपने मन से कुछ वाव लेना, शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, अपने मन से, है ना, अपने मन को कंट्रोल करते हुए, नहीं मैं अब ये करूँगा, उसको तपस्या बोलते हैं, है ना, मन को नियंत्रित करते हुए यत्न पूर्वक। एकादशी वाले भजन में हम क्या बोलते हैं, जतन पालन करी, यत्न पूर्वक, है ना, फोर्सफुली अपने मन को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, इसमें बता रहे हैं, एक कुशल सारथी जिस प्रकार घोड़े की लगाम को कसकर थामे रखता है, घोड़े की लगाम होती ना, पकड़ के रखेगा वो, थोड़ा सा ढीला छोड़ेगा, ऐसे नहीं कि एकदम बिल्कुल टाइट कर लेगा तो घोड़ा ही नहीं चल पाएगा ना, लेकिन पकड़े रहता है उसको। तो जिस प्रकार एक कुशल चालक घोड़े की लगाम को कसकर थामे रखता है और लगाम के माध्यम से घोड़ों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि चित्त को मोह पास में डालने वाली इंद्रियों को, चित्त को मोह पास में डालने वाली इंद्रियों को संयमी रूपी लगाम के द्वारा वश में करे। संयम, कुछ भी गलत दिख रहा है, भगवान के अलावा कुछ भी दिख रहा है संसार में, भगवान के संबंधित कुछ भी दिख रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए, नहीं तो मछली को कैसे पकड़ा जाता है। मछली पानी में है, नदी में है, समुद्र में है, उसको बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहाँ खाने को मिल सकते हैं, लेकिन एक लोहे के तार में केंचुआ डाल देते हैं और उससे फंसा लेते हैं, ये स्थिति है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, इतने बड़े हाथी को गड्ढा करते हैं, गड्ढे को घास से ढक देते हैं और आगे हथनी खड़ी कर देते हैं और उसको उकसाया जाता है, हाथी जाता है गड्ढे में, गिर जाता है हथनी को पकड़ने के चक्कर। तो जरा सा लूप पोल भी हुआ हमारे जीवन में, जरा सा मौका मिल गया ना तो फट जाएगा। बताते कपड़ा ना शुरू में जरा सा छेद होता है, है ना, सन्यासी रछेद लोके ना छुपाए, कुछ ऐसे एक है कि, है ना, तो मौका नहीं देना चाहिए हमें बिल्कुल भी। और बता रहे हैं
न जातु काम काम उपभोगे न, काम उपभोग, काम भोग वृत्ति कभी भी खत्म नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। एक खुजली वाला कुत्ता भी होता है जो बीमार है, सड़ा गला है, ये शास्त्रों में है बता रहे हैं, खुजली कंडूरे व, है ना, खुजली वाले कुत्ते का वर्णन कर रहे हैं कि खुजली वाला कुत्ता क्या होता है, वो कितना ही खुजली हो, ब्लड निकल रहा हो उसके शरीर से, लेकिन अगर वो सामने भोग की वस्तु उसको दिख रही है तो भोग करने लगेगा, वो अपने कष्ट भूल जाएगा, उसके शरीर से खून निकल रहा है। तो न जातु काम काम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव, कृष्ण वर्तमेव मतलब अग्नि के समान, ये भोग वृत्ति कैसी है, अग्नि के समान है, ये कभी खत्म नहीं होती, शांत नहीं होती है। अगर व्यक्ति भक्ति में नहीं है या भक्ति में कार्य नहीं कर रहा है तो हमेशा धधकती रहती है, भड़कती रहती है अग्नि, कभी शांत नहीं होने वाली। विषयों के सेवन से या उपभोग की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। पुरर्वा ययाति, है ना, सबने भोग किया, उसकी दो तीन श्लोक हैं, उसको लास्ट में चर्चा करेंगे हम। बोले ये इच्छा कभी शांत नहीं होती है। अकबर को बोला बीरबल ने कि अकबर ने बोला बीरबल को कि बुढ़ापे में तो भोग वृत्ति शांत हो जाती है। बोले नहीं जी, भोग वृत्ति शांत नहीं होती और बढ़ जाती है बल्कि बुढ़ापे में, क्योंकि जिंदगी भर तो वही किया था और बुढ़ापे में भी वही कर रहे हैं। भाई जिसका अभ्यास हम पूरे जीवन करेंगे वही अभ्यास तो अभी करेंगे ना, लास्ट में भी वही अभ्यास होता रहेगा। तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कम हो जाए। बोले ना, आपको इसका जवाब मैं एक हफ्ते बाद दूंगा। तो एक बार बीरबल के अकबर का मंत्री बीमार पड़ गया, बुरी तरह से बीमार पड़ गया, और बहुत प्यारा मंत्री था। तो बीरबल ने अकबर से रिक्वेस्ट की, जी आपका मंत्री है, है ना, आप थोड़ा आप खुद जाके मिल लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बोला ठीक है, मैं चलता हूँ। तो अकबर गए खुद से उस मंत्री से मिलने के लिए, और मंत्री बीमार ऐसे पड़े हुए, है ना। बीरबल ने इधर एक काम कर दिया, बीरबल ने अकबर की बेटी को बोला कि तुम भी साथ में चलना, क्योंकि मंत्री हैं, बहुत पुराने, बहुत सेवा की है, कि तुम भी साथ में चलो। तो उसकी बेटी को भी लेके गए साथ। और वहाँ पे जब मंत्री के पास पहुँचे तो मंत्री को लोगों ने बोला महाराज आए हैं, अकबर जी आए हैं। तो ऐसे अकबर को देखा और अकबर के साथ में उसकी बेटी खड़ी थी। तो अकबर को इतना ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट आँख वाँख इसलिए श्लोक बोला आवृतम ज्ञाने तिनम ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन, अग्नि के समान है, है ना। इसमें भोग वृत्ति खत्म नहीं होती, इच्छा खत्म नहीं होती, क्या खत्म हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सोचने समझने की। आवृतम ज्ञान, पहले ज्ञान को ही ढकता है ये भोग, इंद्र तृप्ति। तो राजा को सबसे बड़ा नियंत्रण होना चाहिए। क्लियोपात्रा की स्टोरी हम सुनते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी स्टोरियां हैं कि उसकी जादूगर की शक्ति जो है बाले में होती है, इसी प्रकार स्त्री की शक्ति, है ना, जो इच्छा है, जो आकर्षित करने का है, वो किसमें, है ना, शरीर में, रूप में। तो इन सबसे बच के रहना चाहिए। बता रहे कि ऐसी इच्छाएं विषय केवल सोचने मात्र से बढ़ जाती हैं, करना तो दूर की बात, करने के बाद तो कितना बढ़ेंगी वो अलग बात है, सोचने मात्र से बढ़ जाती हैं। तो आगे बता रहे इसमें कि इसमें जल के छींटे मारने से शांत नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ विचार आया और आप जाके जंगल में चले गए या पार्क में जाके जॉगिंग कर लिया आपने, थोड़ा कपाल भाती कर लिया और शांत हो जाएगी। नहीं, ये जल के छींटे मारने से शांत नहीं होंगी, ये दो चीज़ों से शांत होंगी, संयम से और सेवा से। बस यही दो तरीका है, और इसमें भी सेवा प्रधान है, क्योंकि जब सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो मन कुछ और लगेगा ही नहीं। चले प्रपा जी बोलते, कम से कम 8 घंटे सेवा, और कौन सी बर्तन घिसने वाली सेवा, भगोने घिसने वाली सेवा, है ना। ऐसा भोग जिसे बता नहीं, ये सारा करते तो बात करते कि ऐसी सेवा करो कि पसीना यहाँ से लेकर पैर के घुटने, पैर के नाखून में पसीना निकलना चाहिए, ऐसी सेवा होनी चाहिए। ये संस्था प्रपा जी के शिष्यों ने ऐसे ही खड़ी की, सेवा कर करके खड़ी की, है ना। समझ, ये कोई लेजी और क्रेजी पीपल के लिए नहीं है संस्था या सेवा, है ना।